इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम उसके अंदर जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्लिपबोर्ड होता क्या है। क्लिपबोर्ड दरअसल एमएस वर्ड में एक आरजी तौर पे एक जगह होती है जहाँ पे हम अपने इम्पॉर्टेंट फाइल्स या अपने इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जो है वो हम वहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके हम वहाँ पर मूव कर देते हैं। आप एक इस कहा जा सकता है कि ये टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए एक जगह है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट स्टोर हो जाता है। इसके साथ साथ ना सिर्फ आप टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं बल्कि डिफरेंट ग्राफिक्स, पिक्चर्स, साउंड और वीडियोस वो भी आप अपने इस क्लिपबोर्ड में स्टोर कर सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ कॉपी करते हैं वो चीज़ आपके क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाती है। फिर जब आप कोई और न्यू डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या एमएस वर्ड में आपने कोई एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला है तो वहाँ पे आप ऑलरेडी क्लिपबोर्ड में पड़ी हुई कोई भी साउंड, कोई भी वीडियो या कोई भी टेक्स्ट जो आपने क्लिपबोर्ड में रखा होगा वो आप ईजिली पेस्ट कर सकते हैं अपने न्यू डॉक्यूमेंट में। तो ये दरअसल कहलाता है क्लिपबोर्ड। अब ये क्लिपबोर्ड जो है ये दरअसल काम किस तरह से करता है, अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे एमएस वर्ड खोल लिया है और यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इस डॉक्यूमेंट में। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग पैराग्राफ है इसको अगर आप यहाँ से कॉपी करते हैं या आप इसको यहाँ से कट करते हैं, तो कॉपी करने के बाद होगा क्या कि ये जो जितना भी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया गया है ये यहाँ पे होम पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो पैराग्राफ मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे फाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। अब इस न्यू डॉक्यूमेंट में आप चाहते हैं कि जिस चीज़ को आपने कॉपी किया था जो कि क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट हो गई थी वो आप उसको दोबारा एक्सेस कर सकें, उसको आप दोबारा पेस्ट कर सकें, तो उसके लिए फिर आप होम पे क्लिक करेंगे, क्लिपबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे देखें वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ मैं क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली मेरे न्यू डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाएगा। तो ये दरअसल कहलाता है क्लिपबोर्ड। इसी तरह अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड करते हैं, जैसे आप यहाँ पर मैं इंसर्ट पर क्लिक किया मैंने, और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इलस्ट्रेशन का जो सेक्शन है यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ तो ये क्या होगा कि ये मेरे क्लिपबोर्ड में जाके कॉपी हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गई है। अब अगर मैं कोई और न्यू डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, एक नई रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ और मुझे उस पिक्चर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो चूंकि मैंने उसको अपने क्लिपबोर्ड में स्टोर किया हुआ था तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से होम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप कीबोर्ड क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें कि वो पिक्चर हमारी यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे न्यू डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि हमारे एमएस वर्ड में जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है उसमें हम कोई भी चीज़ कट करते हैं या कॉपी करते हैं वो हमारे क्लिपबोर्ड में आके स्टोर हो जाती है और फिर हम उसको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट में जहाँ पे हम काम कर रहे हों वहाँ पर हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हमने डिफरेंट और मल्टीमीडिया ऑप्शंस की बात की थी, आप अपने एमएस वर्ड में कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे हमने एक वीडियो ऐड की है जो कि लिंक्ड है हमारे इंटरनेट के साथ। आप इसको भी, आप हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसको भी अगर आप कॉपी करेंगे तो ये भी क्या होगा कि ये हमारे क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाएगी। तो इसी तरह आप फिर किसी न्यू डॉक्यूमेंट में जाते हैं और इस न्यू डॉक्यूमेंट में आपको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तो सिंपल आपने क्या करना है कि क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है और वो वीडियो आपके सामने खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम एमएस वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एमएस वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है।